यहां पर चर्चा के विषय है कि जो मां, ध्यान से सुनिए माता बहन, जो मां इतना कष्ट से अपने पुत्र को जन्म देते हैं, है ना, वही पुत्र जब पोष पाल करके बड़ा कर देते हैं, शादी विवाह कर देते हैं, है ना, लेकिन जब जब बड़ा हो जाता है, कुछ रुपया पैसा कमाने लगता है, तो मां बाप को बड़ा कष्ट देता है। विचार कीजिए आप लोग, मैं ब्यास पीठ से कहना चाहता हूं, मैं आंख से देखा हूं इसलिए कह रहा हूं। इस कलजुग का पुत्र क्या करता है कि जो मां इतना कष्ट से पुत्र को जन्म देते हैं, बड़ी कष्ट से, वही पुत्र जब इतना छोटे से बड़ा करता है, उसका शादी विवाह जब हो जाता है, जब उसकी पत्नी आ जाती है, उस बूढ़ी माता को बहुत कष्ट देता है। उस नालायक बेटा के लिए मैं कहना चाहता हूं, अगर जो पुत्र इस कलयुग में, जो पुत्र अगर अपने मां बाप को कष्ट दिलाता है, कभी जीवन में सुखी नहीं रहता है। आप चैलेंज ले लीजिए, गिनती कर लीजिए। इसलिए मां बाप से बड़ा कोई इस दुनिया में देवता ही नहीं है, सर्वप्रथम माता पिता, है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर जो बेटा अपने मां बाप को कष्ट देता है, उससे बड़ा नालायक इस दुनिया में, इस कलयुग में कोई नहीं है। तनी विचार करियो अपने सब माए बहन। देखियो जब छोट बच्चा रही छे तब माँ कते कष्ट से ठंडा के मौसम में बच्चा के बड़ा प्यार से पोसे छथिन, लेकिन जब उहे पुत्र बड़ा हो छे तो माए के कहे छे तन बड़ा टर-टर करे छे। तो देखिए नया बिल्डिंग बनाता है, उस बिल्डिंग में माँ को नहीं रखता है, माँ के लिए अलग बिछौना कर देता है, उसमें मेरी पत्नी रहेगी, इस कलयुग की पति पत्नी। इसलिए मैं कभी बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं कि माई के आई दूधवा यही सना दुनिया में, हे मिठाई नाई के, जो अभागा बाटे आई ओकरा घर में माई नाई थे। देखिए जब पुत्र छोटा रहता है तो माँ इसे
ठंडा के प्रसव में गोईठा के आग पर सेक सेक के उस बच्चा को सेकते ताकि मेरा बच्चा को ठंड ना लग जाए। कोई कभी भी इस जीवन में माता पिता का ऋण कोई बेटा आज तक चुका नहीं पाएगा। चैलेंज देता हूं, इसीलिए कहा गया है। ये देखिए आ गए इस भजन पर खुश होकर के हमारे छोटू राय जी रामनगर निवासी, उनका तरफ से भगवान के दरबार में 51 रुपया दान हो रहा है। देखिए कहा गया है कि माँ आधा पेट खा करके अपने बच्चों को भूख शांत करते, अपने बच्चा के लिए बसिया भी खाना रखते हैं, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है तो बड़ा कष्ट देता है वो माँ बाप को। ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मैया आधा पेट खाई मैया बसिया जो खाई तौर। अगर पुत्र घर से बाहर कहीं जाता है, विचार कीजिए माता बहन, पुत्र जब कहीं घर से बाहर जाता है, अगर माँ बाप से अगर मिलके नहीं जाता है, चरण छूकर नहीं जाता है, माँ बाप से क्रोध दिल दुखा के जाता है कोई कार्य में, वो कार्य सिद्ध जीवन में नहीं हो सकता है। हम चैलेंज देते हैं क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई देवता ही नहीं है इस कलयुग में। इस कलयुग में कोई ऐसा बेटा नहीं है जो माँ बाप का पूजा करता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी बड़ा सुंदर वर्णन किए, हे कुमारा सकल जहान में आई भलाई ना।
के रामनगर निवासी, उनके तरफ से भगवान के दरबार में 11 रुपया दान हो रहा है। बोलिए दान धर्म की, उनके रोजी रोजगार की। बड़ा सुंदर है। माता श्री, उनके तरफ से भगवान के दरबार में 11 रुपया दान हो रहा है। बोलिए दान धर्म की। हे माई के तरबाया समान तोरा ना हो तो कल्याण, ललन कुमार जी रामनगर निवासी, उनके माता के तरफ से 11 रुपया दान हो रहा। बोलिए दान धर्म की।